वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। बच्चों, सबसे पहले तो चैट बॉक्स में लिखकर बताओ कि मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर पहुंच रही है। मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं। MEBI के बच्चे भी बताएं और क्रिएट्रिक्स चैनल के बच्चे, दोनों ही चैनल्स के बच्चे बताएं जल्दी से। तो बच्चों, आज से एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप अगर कंटिन्यूअसली रहेंगे तो आप यू विल फाइंड अ चेंज इन योरसेल्फ। आपको अपने अंदर एक बदलाव मिलेगा, आपको अपने अंदर एक खुशी मिलेगी, आपको अपने अंदर एक सुकून मिलेगा और ऑब्वियसली नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे उसके साथ जो अटैच है। लेकिन ये सब्जेक्ट बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है बच्चों, एथिक्स का सब्जेक्ट, नैतिकता का सब्जेक्ट। सो प्लीज इसको इसमें थोड़ा कंटिन्यूअस बने रहिएगा। जैसा कि आप लोगों की नेचर है 10-12 दिन कंटिन्यूअस करते हैं, फिर उसके बाद आपकी छुट्टियां बीच बीच में होती रहती हैं, वो मत करिएगा। आपको मजा आएगा, यू विल एंजॉय दिस सब्जेक्ट। फील के साथ पढ़िएगा इस सब्जेक्ट को तो मजा आने वाला है। हम पढ़ने जा रहे हैं इंजीनियरिंग एथिक्स, आज से लॉन्च कर रहे हैं इंजीनियरिंग एथिक्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन ESE एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बच्चों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कुछ एक दो जानकारियां जो मुझे डेली देनी होती है आप लोगों को, कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में, वो जानकारियां देकर के मैं सब्जेक्ट पर आता हूं आप लोगों के सामने। चलिए, इतने जल्दी से आप लोग अपना काम कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, अपना काम आप लोग निपटा दीजिए, देन फिर मैं अपना काम करता रहूंगा, ठीक है। चलिए नाउ बच्चों, ये जानकारी देनी थी कि ऑन 14th of March देयर इज अन अकेडमी कॉम्बैट। इसमें 1.2 करोड़ की स्कॉलर 1.8 करोड़ की स्कॉलरशिप्स बटनी है, तो प्लीज अनअकैडमी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करिए और स्कॉलरशिप के लिए ट्राई करिए और एक कंपटीशन भी फेस करिए। एंट्री का कोई चार्जेस नहीं है, एंट्री एकदम फ्री है, तो इसमें अपने आप को एनरोल करिए। एनरोल करने के लिए मेरा कोड Abhishek01, आप लोग जानते हो माई कोड Abhishek01, उस कोड को यूज करिएगा एंट्री करते समय। 14th मार्च को ये अनअकैडमी कॉम्बैट होना है 11 AM पर बच्चों, 11 AM पर अनअकैडमी कॉम्बैट होना है 14th मार्च को। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाइए, सर्च करिए अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में और इसमें अपने आप को एनरोल करिए बच्चों। नाउ अपनी जानकारी तो मैंने दी नहीं तो बता देता हूँ, इसे तो आप सब लोगों से दोस्ती हो चुकी है, जानते ही है मुझे। Myself Abhishek Sharma, मैं आप लोगों का जर्नलिस्ट स्टडीज का कोच हूँ। मेरे पास 15 ईयर्स का जनरल स्टडीज पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, स्पेशली इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IAS एग्जाम, PCS एग्जाम, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज और डिफरेंट PSUs एग्जाम्स के लिए मैं पास 15 ईयर्स से जनरल स्टडीज, GK और करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ बच्चों। नाउ IAS में एक पूरा पेपर IAS एग्जाम के लिए मैं इथिक्स पढ़ाता हूँ, IAS एग्जाम के लिए मैं इथिक्स पढ़ाता हूँ। IAS में 250 मार्क्स का इथिक्स आता है, IAS एग्जाम में 250 मार्क्स का एथिक्स आता है, तो आप समझ सकते हैं कि मैं एथिक्स आपको किस लेवल तक पढ़ाऊंगा या पढ़ा सकता हूं, क्योंकि वहां हमें 250 मार्क्स में एथिक्स पढ़ाना होता है। तो लेकिन यहां हम आपको आपके इंजीनियरिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इंपॉर्टेंट है और इंजीनियरिंग एग्जाम में जो चीजें पूछी जाती है उन एस्पेक्ट्स पर हम डिस्कशन करेंगे इस क्लास के अंदर। चलिए नौ बच्चों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप मुझे जानते ही हैं कि 10 PM पर, आज 10:10 पर होगी बच्चों, 10 PM पर मैं डेली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सॉल्व करवाता हूं, GK के, GS के और करंट अफेयर्स के MCQs में आपको डेली सॉल्व करवाता हूं, जिसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आता है। जो लोग अटेंड करते हैं वो लोग जानते हैं उन्हें कितना मजा आता है, तो रेगुलर बन चुके हैं लोग, रेगुलर आते हैं, क्योंकि इसमें हम रिलैक्स होते हैं, हम अपनी थकावट दूर करते हैं। 10 PM पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी फ्री स्पेशल क्लास होती है, फ्री स्पेशल क्लास होती है आज 10:10 पर आज होगी फ्री स्पेशल क्लास। इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे फॉलो करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। फॉलो करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों ये आईडी दी है, इस आईडी से आप मेरे प्रोफाइल पर चले जाएं और मुझको फॉलो कर लें बच्चों। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आईडी का लिंक है, इस लिंक से मेरे प्रोफाइल पर बच्चों चले जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमलेश, बिल्कुल ठीक बात है, ये सब ब्रांच के लिए सेम है कमलेश,
बिकॉज ईएससी के एग्जाम में जो जनरल स्टडीज का पेपर है वो सारी ब्रांचेस के लिए कॉमन होता है. इथिक्स इज अ पार्ट ऑफ जनरल स्टडीज. अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग जनरल स्टडीज नहीं है, कॉमन जनरल स्टडीज है बेटा. तो ये सारी ब्रांचेस के लिए कॉमन है, फाइन, इसीलिए हम एक साथ चला रहे हैं. अच्छा ये बताइए मेरी आवाज क्या धीरे आ रही है, जल्दी से बताइए मेरी वॉइस क्लियर है क्या? धीरे तो नहीं आ रही, कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर आपकी आवाज धीरे आ रही है. प्लीज जरा चैट बॉक्स में लिखकर बताइए मेरी आवाज क्लियर है. चलिए इतने में आपको बता देता हूँ प्लस और आइकॉनिक के बारे में. अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर बच्चों फ्री स्पेशल क्लासेस के साथ साथ हमारा प्लस और आइकॉनिक दो सब्सक्रिप्शन प्लान है. प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको डेली मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेस, वीकली टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस. और बच्चों आइकॉनिक पर आपको मिलते हैं पर्सनल कोच की सुविधा, प्लस की सारी सुविधाएं मिलेंगी, इसके साथ पर्सनल कोच की सुविधा मिलेगी, पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस मिलेगा और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स मिलेंगे, यानी कि फैकल्टीज के साथ पर्सनल टच आपको मिलेगा. ठीक है, नाउ अगर आप प्लस को ज्वाइन करते हैं तो 12 मंथ्स या 18 मंथ्स या 24 मंथ्स के लिए करना बेनिफिशियल होगा. अभिषेक01 इसी कोड से आप अनअकैडमी कॉम्बैट को ओपन कर सकते हैं, सारी फ्री सर्विसेज ओपन कर सकते हैं, मेरी फ्री क्लास में एंट्री कर सकते हैं और 10% का डिस्काउंट भी आप इस कोड से ले सकते हैं बच्चों प्लस सब्सक्रिप्शन पर. 12 मंथ्स के चार्जेस हैं 27,000 के अराउंड, 18 मंथ्स के चार्जेस है अराउंड 34,000, 24 मंथ्स के चार्जेस है अराउंड 39,000 बच्चों. अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो 12 मंथ्स के चार्जेस है अराउंड 45,000, 24 मंथ्स के चार्जेस है अराउंड 66,000 और अभिषेक01 कोड यहां भी अप्लाई करिएगा जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिले बच्चों. तो आप अपनी पसंद का जो है सब्सक्रिप्शन प्लान चुनिए और अपनी तैयारी को सिस्टमैटिक करिए. चलिए बच्चों अब शुरुआत की जाए आज की क्लास की. ठीक है, तो मैं अपना काम शुरू करने जा रहा हूँ. आई होप आप लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया होगा, आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस दर्ज कर दी होगी बाय क्लिकिंग लाइक एंड शेयरिंग द इवेंट. आज की क्लास को शेयर करके और लाइक करके आपने अपना काम करके बैठे होंगे. अब शुरुआत करते हैं बच्चों. नौ बच्चों मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं आपके आगे कुछ टॉपिक्स लेकर रखे आता हूँ, कुछ टॉपिक्स मैं आपके सामने लाया हूँ, या चलो कुछ क्वेश्चन आपके सामने लाता हूँ फिर टॉपिक्स पर आता हूँ. पहले कुछ क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ कि व्हाट इज इथिक्स, ना समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज इथिक्स, इथिक्स होता क्या है. हमारी आज की क्लास ही है कि व्हाट इज इथिक्स, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे व्हाट इज इथिक्स. ठीक है, इस पर हम बात करेंगे. इस पर बात करने से पहले मैं आपके आगे कुछ सवाल लेकर के आ रहा हूँ, उसके बाद में फिर आपको सिलेबस दिखाऊंगा. बच्चों हम लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चन से गुजरते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन का सामना हमारी लाइफ में होता है. जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि क्या अबॉर्शन मॉरली करेक्ट है, इथिकली करेक्ट है या नहीं है, इथिक्स में इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, हर तरह के क्वेश्चंस का सामना करना होगा बच्चों. नाउ अबॉर्शन कराना क्या इथिकली करेक्ट है या नहीं है, ये सवाल सामने है और हमारी सोसाइटी इस सवाल को फेस करती है, इस क्वेश्चन को फेस करती है और सोसाइटी फेसेस दिस क्वेश्चन, बहुत ये करती है. नाउ अब कोई लोग कहेंगे नहीं यार अबॉर्शन जो है इथिकली करेक्ट नहीं है, अबॉर्शन नहीं होना चाहिए. फिर एक सवाल उठता है कि सपोज अगर किसी लड़की के साथ जो है मॉब रेप हुआ हो, मास रेप अटेम्प्ट हुआ हो और वो लड़की कंसीव कर जाए तो क्या उसे अबॉर्शन कराने का राइट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. इन दैट केस ऑल्सो जो ये कहा जाता है कि बच्चे की डेथ हो जाएगी, नहीं होनी चाहिए, तो क्या उस केस में उसको ये राइट होना चाहिए नहीं होना चाहिए. एथिक्स ऐसे क्वेश्चंस पर आपको झकझोरेगा कि हम करेंगे क्या. फाइन, अगले सवाल पर बढ़ता हूं बच्चों. तो पहला क्वेश्चन तो यही है, ये क्वेश्चन बस सिर्फ रख रहा हूं मैं आपको, इथिक्स दिखा रहा हूं कि इथिक्स आपको कैसे रिलैक्स करेगा, क्योंकि इथिक्स के पास इन सारे क्वेश्चन के आंसर है बच्चों. इथिक्स के पास इन सारे क्वेश्चन के आंसर है, इन्हीं क्वेश्चन से चीजें स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल होंगे लेकिन समझना होगा. इंजीनियरिंग इथिक्स में भी आप ऐसी सिचुएशन से गुजरेंगे जहां पर आपको समझ में नहीं आएगा मैं यहाँ करूं क्या, यहाँ पर मैं फैसला क्या लूं, व्हाट शुड बी द डिसीजन, मेरा डिसीजन क्या होगा यहाँ पर. तो ये सिचुएशन से हम सुनते तो हैं. सो इज अबॉर्शन मॉरली राइट और रॉन्ग, इफ रॉन्ग व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अ गर्ल हु गेट्स कंसीव्ड बिकॉज ऑफ रेप बाय अ मॉब. ये घटनाएं भारत में होती रहती है. नाउ
दूसरा, शुड वी अवॉर्ड डेथ पेनल्टी टू दोज हु मर्डर? अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, शुड वी अवॉर्ड डेथ पेनल्टी टू दोज हु मर्डर? जो लोग मर्डर करते हैं क्या उनके लिए डेथ पेनल्टी हमें देनी चाहिए? जो लोग मर्डर करते हैं क्या उनको डेथ पेनल्टी देनी चाहिए? इट मींस वेदर द डेथ पेनल्टी इज इथिकल और नॉट। अगला सवाल आप लोगों के सामने आ रहा है, इथिकल है या नहीं है? नाउ इंडिया ने अभी तक डेथ पेनल्टी को खत्म नहीं किया है, लेकिन इंडिया में डिबेट तो है कि डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, कुछ कहते हैं और कुछ कहते हैं होनी चाहिए। मैं अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस लाहोटी वॉज इन द फेवर ऑफ अबॉलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी, बट आफ्टर जस्टिस लाहोटी जस्टिस सबरवाल ज्वाइंट द चीफ जस्टिस पोजिशन एंड ही फेवर्ड द डेथ पेनल्टी। तो सुप्रीम कोर्ट भी इसमें बटा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कुछ जजेस कहते हैं डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, कुछ जजेस कहते हैं डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, क्या ये इथिकल है या नहीं? ये इथिकल है यानी कमलेश, देखो यार आज पहली क्लास में तुम क्वेश्चन ये पूछ रहे हो, कितने दिन चलेगा? कमलेश यार पढ़ाई का आनंद लो बेटा, अपने सवाल मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मैसेज करके ये सब पॉइंट लिख देना, मैं पूरा टाइम टेबल भेज दूंगा बेटा। नाउ अभी मुझे भी नहीं पता, ये आप पर डिपेंड करता है कितने दिन चलेगा बेटा। फ्लो फ्लो आनंद लो यार, क्लास का मजा लो ना। नाउ थर्ड चीज ये है कि बेसिकली तो डेथ पेनल्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यूरोप के मैक्सिमम कंट्रीज ने अपने यहां से डेथ पेनल्टी खत्म कर दी है, अमेरिका के बहुत सारे स्टेट्स ने अपने यहां से डेथ पेनल्टी खत्म कर दी है, वी आर कंटिन्यूइंग द डेथ पेनल्टी। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, खत्म होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए और मेंटेन होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, लॉजिक्स होने चाहिए हमारे पास। नौ तीसरे केस पर आते हैं बच्चों, यूथनेशिया। यूथनेशिया क्या है? यूथनेशिया है इच्छा मृत्यु, मतलब कि एक व्यक्ति बहुत परेशान है, अपनी लाइफ से परेशान है, उसके लाइफ में कोई बहुत सीवियर इलनेस है, उसको बहुत पेनफुल इलनेस है, उसको बहुत पेन होता है और उसके ठीक होने के चांसेस कुछ नहीं दिख रहे हैं। नाउ दैट गाय दैट पर्सन इज डिमांडिंग द राइट टू डेथ, वो राइट टू डेथ मांग रहा है, वो चाहता है कि उसको मरने दिया जाए। आप एक दो मूवीज भी इस पर बनी है ना, ऋतिक रोशन की भी एक मूवी इस पर बनी थी। तो राइट टू डेथ उसको होना चाहिए क्योंकि वो पेनफुल है। इवन महाराष्ट्र के टॉप मोस्ट पुलिस कमिश्नर ने जो है, असिस्टेंट कमिश्नर, ही वॉज द ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र पुलिस, ही वॉज फेसिंग द कैंसर एंड ही कमिटेड सुसाइड, और उन्होंने यही कहा कि मैं इस पेन को बियर नहीं कर पा रहा, अपने सुसाइड नोट में लिखा। तो यूथनेशिया पर पूरे वर्ल्ड में डिबेट है कि क्या यूथनेशिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, यूथनेशिया होना चाहिए। सिद्धार्थ इथिक्स 10 से 15 मार्क्स का आता है, अराउंड 15 मार्क्स। इफ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू कैन कंटिन्यू द क्लासेस। 15 मार्क्स अगर इंपॉर्टेंट है तो। नाउ तो यूथनेशिया है अपनी लाइफ को खत्म करने का राइट, अगर वो बहुत पेनफुल है तो, अगर उसमें दर्द है और उसमें ठीक होने का कोई चांस नहीं है तो। अरुणा शानबाग का केस है हमारे सामने, अरुणा शानबाग 40 इयर्स तक कोमा में रही, उसके बाद उनकी डेथ हुई, 40 साल तक कोमा रहने के बाद, क्योंकि उनको यूथनेशिया का राइट नहीं मिला, यूथनेशिया की परमिशन नहीं मिली। तो कैन वी गो फॉर यूथनेशिया जस्ट बिकॉज द चांसेस ऑफ समवन सर्वाइवल आर लेस? किसी आदमी के सर्वाइव करने के चांसेस कम है तो क्या हम उसको यूथनेशिया का राइट दे सकते हैं? सवाल तो बनता है ना, बात समझ में आ रही है? ये सवाल हमारे सामने आते हैं कि इसमें होना क्या चाहिए, हमें करना क्या चाहिए। चलिए बच्चों, हम अक्सर अपनी लाइफ में झूठ बोलते हैं, बोल देते हैं कई बार। हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो जिसे लाइफ में कभी झूठ ना बोला हो, और कुछ तो ऐसे भी होंगे जो अक्सर भी बोल देते होंगे, झूठ बोलते रहते होंगे। बोला तो सबने होगा आई थिंक, नहीं शायद, क्या पता किसी ने ना बोला हो। मतलब मैं ये क्लेम नहीं करूंगा कि मैंने लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला, बचपन में और कई बार बोला होगा। तो हाउ विल यू जस्टिफाई टेलिंग व्हाइट लाइज टू योर फ्रेंड्स पेरेंट्स एंड योर लव वंस? कैसे आप उसे जस्टिफाई करोगे, कौन ग्राउंड्स पर आप जस्टिफाई करोगे? नाउ एक और ग्राउंड, सपोज आपको पता चले कि आपको ये तीन लोग हैं
इन तीन लोगों की कॉस्ट पर ये 30 लोग बचाने का मौका मिल रहा है। इन तीन लोगों की कॉस्ट पर, ये तीन भी इंडिविजुअल्स है, इन थ्री इंडिविजुअल्स की कॉस्ट पर 30 लाइफ बचाने का मौका मिल रहा है। विल यू गो फॉर दैट? क्या आप उसके लिए जाओगे? विल यू सेक्रीफाइस दीज थ्री पीपल? क्या इन तीन लोगों का सेक्रीफाइस दोगे 30 लोगों को बचाने के लिए? और अगर ऐसा करोगे तो क्या वो इथिकल होगा या नहीं होगा? मैं आपको कैरेक्टर ऑफ द एग्जाम एंड कैरेक्टर ऑफ द सब्जेक्ट समझा रहा हूं, ठीक है? तो क्या वो इथिकल होगा या नहीं होगा, ठीक है? चलिए नाउ बच्चों, मेरी बेटी तो अभी बहुत छोटी है, शी इज जस्ट 7 ईयर्स ओल्ड। तो मेरी बेटी जो है वो दूध पीने में बहुत आनाकानी करती है। उसको जब दूध वगैरह पिलाया जाता है, जैसे हर बच्चा आनाकानी करता है, तो हम अपनी बेटी को, अभी वो देख रही होगी शायद वीडियो, तो उसे समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत। तो हम उससे कहते थे बचपन में, थोड़ा और छोटी थी तब कहते थे कि दूध पी लो वरना झोली बाबा आ जाएगा। मेरी बात सुनना, हम उससे कहते थे दूध पी लो वरना झोली बाबा आ जाएगा। वो झोली बाबा से डरती थी। अब उसने कभी झोली बाबा देखे तो थे नहीं, वो झोली बाबा से डरती थी। हम उससे यही कहते थे दूध पी लो झोली बाबा आ जाएगा, दूध पी लो झोली बाबा आ जाएगा। और वो दूध पी लेती थी बचपन में, उससे डरती थी तो दूध पी लेती थी। हम दूध उसकी भलाई के लिए उसको पिला रहे हैं, उसकी बोन्स मजबूत होंगी इसलिए उसको पिला रहे हैं। हम उसको उसके बेटरमेंट के लिए उसको मिल्क दे रहे हैं, जिससे कि कैल्शियम की कमी पूरी हो जाए, न्यूट्रिशन लेवल प्रॉपर हो जाए, जैसे बच्चों को दिया जाता है हम उसको दे रहे हैं। नाउ ये स्टेटमेंट कि दूध पी लो वरना झोली बाबा आ जाएगा, ये जो मेरा एक्ट है, क्या ये एक्ट जिसने भी किया मेरे घर में, क्या ये एक्ट इथिकल है? बचपन से हमें एक बात सिखाई जाती है कि अच्छे काम करो, अगर अच्छे काम करोगे तो भगवान तुम्हें अच्छा फल देगा, यू विल गेट द गुड रिजल्ट। और अगर बुरे काम करोगे तो भगवान तुम्हें दंड देगा, द गॉड विल पनिश यू। अगर तुम गलत करोगे, तुम कुछ गलत करोगे, देन द गॉड विल पनिश यू। वेदर इट इज इथिकल स्टेटमेंट, क्या ये स्टेटमेंट इथिकल है? क्या इस स्टेटमेंट में नैतिकता है? क्या ऐसे स्टेटमेंट देने चाहिए? सवाल ये उठता है। तो इसमें होना क्या चाहिए? सवाल ये उठता है। बात ये है, इस तरीके के तमाम चीजें आपके सामने हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी सिचुएशंस आपके सामने आएंगी, जिन सिचुएशंस को आपको समझना होगा, जिनको आपको टैकल करना होगा, और वहां पर आपको कोई डिसीजन लेना होगा, एंड योर डिसीजन मस्ट बी इथिकल। बात यह है, ठीक है? मैं सिलेबस पर बाद में आऊंगा, पहले मैं, अभी फ्लो चल रहा है तो मैं इथिक्स पर ही बात कर रहा हूं थोड़ी सी, उसके बाद मैं सिलेबस पर आऊंगा। क्लियर? बोर तो नहीं हो रहे हो बच्चों? जरा चैट बॉक्स में लिखो, कुछ हलचल सी नहीं दिख रही, अच्छा सा लग रहा है थोड़ा वैसे तो, लेकिन ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे हो बिल्कुल? चलो जरा चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो, आर यू एंजॉयिंग द क्लास? सब्जेक्ट एंजॉय कर रहे हो? चलो फिर आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ तो बच्चों, तो अगर हम इन सारे क्वेश्चंस के सामने हम जाएं, इन सारे क्वेश्चंस को अगर हम समझें, तो हमको जो है तब बेसिकली समझ में आता है कि यार यहाँ क्या होना चाहिए। कई बार हमें लगता है यार हमने सही किया, कई बार हमें लगता है हमने गलत किया। अच्छा एक और बात, बहुत बड़ी डिबेट चलती है इंडिया में, वर्ल्ड में, खाने पीने को लेकर के डिबेट चलती है। थैंक यू जसवंत। नाउ कई बार खाने पीने को लेकर डिबेट चलती है। नाउ खाने पीने को लेकर डिबेट ये चलती है कि कुछ लोग ये मानते हैं, जो कि प्योर वेजिटेरियन है वो ये मानते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता, दो आई एम अ प्योर वेजिटेरियन बट मैं ऐसा नहीं मानता हूं। जो लोग, लेकिन बहुत सारे लोग ये मानते हैं, मेरे साथ भी डिबेट करते हैं, जो लोग प्योर वेजिटेरियन है वो लोग नॉन वेजिटेरियन होने को अनइथिकल मानते हैं, है ना? वो लोग मानते हैं। अब क्या वो लोग इसे, वेदर इट इज इथिकल और अनइथिकल, वेदर इट इज इन द डिबेट ऑफ इनइथिकल और इथिकल, बात यह है।
क्या वो लोग मॉरालिटी और इथिकल का डिफरेंस समझते हैं? देर आर टू वर्ड्स, वन वर्ड इज मॉरालिटी एंड वन वर्ड इज इथिक्स. क्या हम लोग मॉरालिटी और इथिक्स का डिफरेंस समझते हैं? देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉरालिटी एंड इथिक्स? आज इसी पर बात करेंगे. आज पहले टॉपिक में इसी पर बात भी करेंगे कि मॉरालिटी और इथिक्स में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि अगर हम इस डिफरेंस को समझते होते तो हम इस तरह की डिबेट में इथिक्स को शायद लेकर ना आए. हम इथिक्स को लेकर के ही नहीं आएंगे, होगा ये. चलिए नाउ, तो अगर हम बात करें बच्चों कि इथिक्स पर हर कोई डिबेट करता है, इथिक्स पर हर कोई बात करता है. यस, बिल्कुल सही राजू. तो इथिक्स पर हर कोई बात करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग इथिक्स को समझते हैं. अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग इथिक्स को समझते हैं. नियरली ऑल पीपल एक्नॉलेज द इंपॉर्टेंस ऑफ इथिक्स. अनफॉर्चुनेटली वेरी फ्यू रियली अंडरस्टैंड इथिक्स एज वेल एज दे थिंक दे डू और एज वेल एज दे शुड. सो इथिक्स कैन बी मीनिंगफुली डिस्कस्ड एंड अप्लाइड ओनली वेन इट इज फुल्ली अंडरस्टूड. तो जब तक हम डिबेट बहुत करते हैं कि क्या चीज इथिकल है क्या चीज अनइथिकल है, लेकिन हम इथिक्स को समझते कितना है, बीइंग इथिकल हम कितना समझते हैं. मैं एक छोटा सा इंसिडेंस आपको बताता हूं. मैं अपनी बेटी के इन्हीं सब एग्जांपल से इथिक्स समझोगे आप, इन्हीं गप्पों से इथिक्स समझोगे आप. प्रैक्टिकली इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. इथिक्स को आपको बहुत प्रैक्टिकल वे में समझना होगा बच्चों, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. थ्योरिटिकल होता ना तो आप लिख देते, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको टिक करना है तो आपको बहुत अच्छे से इसमें सारे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. तो आपको प्रैक्टिकल तरीके से सब्जेक्ट को समझना होगा. एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा रहा हूं. नाउ मैं अपनी बेटी के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गया अभी कुछ समय पहले. तो मैं जब गया वहां पर, मैंने अपनी क्लास में जहां मैं इथिक्स पढ़ाता हूं तो वहां पर भी मैंने इस किस्से को बताया था. तो मेरी बेटी की ये बात होगी, ये एक एक डेढ़ साल पुरानी बात होगी, मेरी बेटी थोड़ी छोटी थी. तो मैं अपनी बेटी को जो है की पेरेंट टीचर मीटिंग में स्कूल में गया. जब मैं स्कूल में गया तो मैं वहां टीचर से बात कर रहा था, तभी पीछे से एक बच्चा आया. उस बच्चे का नाम है उत्सव. उसी दिन मुझे उसका नाम भी पता चला. एक छोटा सा बच्चा. व्हेन माय डॉटर वाज इन द अपर केजी, वो केजी में थी शुरुआत में, अभी फर्स्ट में है, केजी में थी, लास्ट ईयर की बात है, छोटी है अभी. तो वो उत्सव आया और उत्सव ने बहुत जोर से मेरी कमर के पीछे मारा, बहुत जोर से मेरी कमर पर, मेरी बैक पर बहुत जोर से उसने चाटा मारा, बहुत जोर से. नाउ जो उसने मारा तो मैं हिल गया. मैंने कहा ये क्या हुआ है? तो एकदम से मैंने देखा, अरे छोटा बच्चा है. तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने मुस्कुरा दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं. तो जो क्लास टीचर थी, क्लास टीचर ने एकदम से उस उत्सव को डांटा. क्लास टीचर ने उत्सव को डांटा और क्लास टीचर ने उत्सव से कहा कि से सॉरी टू सर, अंकल को सॉरी कहो, सर को सॉरी कहो. उस मैम ने कई बार उत्सव से कहा कि सर को सॉरी कहो, और उत्सव ने कहा नहीं कहूंगा. उत्सव लगा रहा कि मैं तो नहीं कहूंगा सॉरी, मैं सॉरी नहीं कहूंगा. तो फिर मैम ने फाइनली कहा, उत्सव से सॉरी, अदरवाइज मैं आपको रैक रूम में बंद कर दूंगी. उत्सव से सॉरी, अदरवाइज मैं तुमको रैक रूम में बंद कर दूंगी. उत्सव ने तुरंत मुझे सॉरी बोला. उत्सव ने तुरंत मुझको सॉरी बोला. मैंने मैम से बोला, उसकी क्लास टीचर से, मैंने कहा मैम इट्स ऑल राइट, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है इससे. तो मैम ने कहा नहीं सर, इसको इथिक्स भी तो सिखाने हैं. मैम की लाइन थी, सर इसको इथिक्स भी तो सिखाने हैं ना. हो हाँ साई तेजा पूरा ही होगा बेटा, एनवायरमेंट भी पूरा ही कराया है मैंने बेटा. तो हाँ सर, इसको इथिक्स भी तो सिखाने हैं. मैम ने जो स्टेटमेंट दिया था ना कि उत्सव से सॉरी, अदरवाइज मैं तुम्हें रैट रूम में बंद कर दूंगी, दिस इज अनइथिकल स्टेटमेंट. सो मैम इज ट्राइंग टू टीच हेयर, मैम इज ट्राइंग टू टीच इथिक्स विद द वेरी अनइथिकल स्टेटमेंट. This statement is unethical. तो बात यह है कि क्या हम इथिक्स को समझते भी हैं,
और बिना समझे हम उस पर डिबेट कैसे कर सकते हैं। पूरी इंडिया एक इथिकल और अनइथिकल की डिबेट में रहती है हर इश्यूज पर हम कितना, व्हाट इज इथिक्स, इथिक्स है क्या, वो कितना समझते हैं, बात ये है। तो बस तो बात यह है कि बेसिकली ये सब्जेक्ट कुछ ऐसा है, देर आर सो मेनी कंफ्यूजन्स एंड दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू क्लियर दोज कंफ्यूजन्स। ये सब्जेक्ट वो कंफ्यूजन्स क्लियर करेगा, उन कंफ्यूजन्स को दूर करेगा, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगा रिगार्डिंग द एथिक्स। फाइन, चलिए बच्चों, तो इतनी बात समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्स, अब इथिक्स की अंडरस्टैंडिंग जो है, इथिक्स की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत जरूरी है। इस अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या पता होना चाहिए? दिस अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्स अ पीरियोडिक रिविजिटिंग ऑफ द बेसिक। सो व्हाट देन इज इथिक्स ऑल अबाउट? तो इथिक्स है क्या? कुछ लोगों के हिसाब से इथिक्स इज अबाउट राइट एंड रॉन्ग। कुछ लोग मानते हैं कि इथिक्स क्या है, इट इज अबाउट राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत के बारे में फैसला इथिक्स है। सही क्या है और गलत क्या है इसको जानना जो है वो इथिक्स है। कुछ लोगों के हिसाब से इथिक्स इज अबाउट वर्चू एंड वाइस, यानी कि गुण दोष। वर्चू एंड वाइस मतलब गुण और दोष, किसी चीज के गुण पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और उसके दोष यानी उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को समझना इथिक्स है। कुछ लोगों के हिसाब से इथिक्स इज अबाउट बेनिफिट एंड हार्म, फायदा और नुकसान समझना इथिक्स है। इथिक्स इज अबाउट बेनिफिट एंड हार्म, तो फायदा और नुकसान समझना इथिक्स है। व्हाट इज इथिक्स, इथिक्स है क्या? तो अब बात करते हैं व्हाट इज इथिक्स, ठीक है? अब इस पर बात करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले मैं इसमें प्रिलिम्स की भी चीजें उठा सकता हूं। एक क्वेश्चन आ सकता है प्रिलिम्स के अंदर कि इथिक्स किस किस वर्ड से बना है, इथिक्स किस वर्ड से बना है। आशुतोष सही कह रहे। तो इथिक्स जो है किस वर्ड से बना है, ये क्वेश्चन प्रिलिम्स में आ सकता है आपके ईएससी के प्रिलिम्स में। तो वर्ड है इथॉस बच्चों। द वर्ड इथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इथोस। द ग्रीक वर्ड ये ध्यान रखना एग्जाम के लिए और इथोस ध्यान रखना। द वर्ड इथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इथोस। द मीनिंग ऑफ इथोस इज कैरेक्टर और कंडक्ट। इथोस का मतलब है कैरेक्टर और कंडक्ट। इथिक्स इज रिलेटेड विद द कस्टम्स एंड हैबिट्स विच रेफर टू प्रिंसिपल्स गवर्निंग ह्यूमन एक्शंस। तो इथिक्स किससे जुड़ा हुआ है? इथिक्स उन कस्टम्स से, उन परंपराओं से जुड़ा हुआ है, उन हैबिट से जुड़ा हुआ है जो कि ह्यूमन एक्शन को गवर्न करती है। आप अपनी सोसाइटी में कुछ एक्ट करते हैं और कुछ एक्ट नहीं करते हैं। किसी ने कोई एक्शन किया तो आप उस पर डिसाइड करते हो कि वेदर दैट एक्शन शुड बी डन और नॉट, यार उसको ये करना चाहिए था यार इसको ये नहीं करना चाहिए था। आप इन डिबेट्स में रहते हो। हाउ यू डिसाइड, आप डिसाइड कैसे करते हो कि वेदर द सर्टेन एक्शन शुड बी डन और वेदर द सर्टेन एक्शन शुड नॉट बी डन, ये होता कैसे है डिसाइड? ये डिसाइड होता है उन कस्टम्स से, उन प्रिंसिपल से जो आपके चारों तरफ है, जो कि आपके एक्शंस को गवर्न करते हैं, ये होता है। तो कुछ प्रिंसिपल्स आपके चारों तरफ है, कुछ कस्टम्स आपके चारों तरफ है और वो डिसाइड, वो उनका इंपैक्ट आप पर पड़ता है और आप उनके बेसिस पर डिसाइड करते हो कि वेदर इट शुड बी डन और वेदर इट शुड नॉट बी डन, बात ये है। तो बेसिकली, और ये यूनिवर्सल है, और ये यूनिवर्सल है, आपकी जगह कोई और भी होगा वो उन एक्शंस के बारे में वही फैसला लेगा, कोई और भी होगा वो भी वही फैसला लेगा। बिकॉज जजेस किसी एक केस में कई बार एक केस को की हियरिंग तीन या चार जजेस करते हैं। बिकॉज कोई केस जो है 20 साल 15 साल चलता है हमारे कोर्ट्स में, 15 साल में ना जाने कितने जज चेंज हो जाते हैं, लेकिन हम डिसीजन को इथिकल मानते हैं क्योंकि शायद पहले वाला जज की जगह दूसरा जज जो है वो भी वही
डिसीजन दे रहा है जो पहले वाला देता, बिकॉज देयर आर आशुतोष, बस यही हम नहीं समझते, आशुतोष हम यही नहीं समझते, मॉरालिटी रिलेटिव है और इथिक्स यूनिवर्सल है आशुतोष। देखो बस यही मैंने कहा ना, हम इथिक्स को बहुत मुश्किल से समझते हैं, मॉरालिटी रिलेटिव है और आशुतोष यूनिवर्सल, इथिक्स यूनिवर्सल है, बस इसी पर बात करने जा रहा हूं। देख लो यही फंडा क्लियर हो गया, देख लो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यस, अभी अभी बात करते हैं, मॉरालिटी पर भी आऊंगा और इथिक्स पर भी आऊंगा। सो इथिक्स रेफर्स टू दोज प्रिंसिपल्स बाय विच वी इवैल्यूएट सर्टेन बिहेवियर एज राइट और रॉन्ग। इथिक्स क्या है? इथिक्स वो प्रिंसिपल्स है जिन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर हम किसी सर्टेन बिहेवियर को राइट बिहेवियर और रॉन्ग बिहेवियर तय करते हैं। वो क्या होंगे उन पर आगे बात करेंगे, अभी तो शुरुआत हो रही है। तो इथिक्स जो है वो प्रिंसिपल्स हैं, दोज प्रिंसिपल्स विच इवैल्यूएट द सर्टेन बिहेवियर एज अ राइट बिहेवियर और एज अ रॉन्ग बिहेवियर। इथिक्स इज अबाउट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर एंड कंडक्ट विद एन एम टू अचीव समम बोनम। ये क्या है अभी बताऊंगा, ये वर्ड मैंने जानबूझ के यहां डाला है जिससे कि अगर एग्जाम में आए तो आपको दिक्कत ना हो। एम टू अचीव समम बोनम बाय एप्लीकेशन ऑफ रीजनिंग, रेशनैलिटी, थिंकिंग एंड एनालिसिस इन डे टू डे बिहेवियर। तो इथिक्स क्या है? इथिक्स इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर एंड कंडक्ट विद एन एम टू अचीव समम बोनम। समम बोनम क्या है बच्चों? समम बोनम का मतलब है हाईएस्ट वैल्यूज। सो एवरीवन ट्राई टू अचीव द हाईएस्ट वैल्यू इन देयर कैरेक्टर एंड इन देयर बिहेवियर। तो कोई अपने कंडक्ट में, अपने कैरेक्टर में हाईएस्ट वैल्यूज लाने की कोशिश करता है। हाईएस्ट वैल्यूज के बेसिस पर हम क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर को तय करते हैं, वही इथिक्स है। हाईएस्ट वैल्यूज के बेसिस पर हम क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर को तय करते हैं। वी कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर विद द हाईएस्ट वैल्यूज, उन्हीं को हम बोलते हैं समम बोनम। हाईएस्ट वैल्यूज को हम बोलते हैं समम बोनम, और उनसे कंपेयर करके हम किसी कैरेक्टर की क्वालिटी को तय करते हैं। इसमें हम अप्लाई क्या करते हैं, इथिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम अप्लाई क्या करते हैं? एप्लीकेशन ऑफ रीजनिंग, एप्लीकेशन ऑफ रेशनैलिटी, एप्लीकेशन ऑफ थिंकिंग एंड एनालिसिस। सो इफ समवन इज डिबेटिंग विद यू, देयर इज नथिंग अनइथिकल अबाउट इट। अगर कोई व्यक्ति आपसे लॉजिकल डिबेट कर रहा है, वो आपसे तर्क कर रहा है, वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, वो अनइथिकल नहीं है। टू क्वेश्चन, टू रेज द पॉइंट्स, टू रेज द लॉजिक्स इज नॉट अनइथिकल, बिकॉज इथिक्स विदाउट रेशनैलिटी के संभव ही नहीं है। कोई सोसाइटी क्या कर रही है, मैं इसे एज इट इज मान लू, एज इट इज एक्सेप्ट कर लू, इट इज नॉट इथिकल। मैं उसे रेशनैलिटी पर चेक करने के बाद एक्सेप्ट करूं तो वो इथिकल है। सो इसलिए अगर हम देखें, तो इसलिए द रीजनिंग पार्ट, द रेशनैलिटी पार्ट, द थिंकिंग पार्ट एंड द एनालिसिस पार्ट इज द सोल ऑफ इथिक्स। इथिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बेसिस पर हम क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर को तय करें तो इथिकल होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैंने आप लोगों से कहा, मैंने अपनी बेटी से ये कहा कि दूध पी लो वरना झोली बाबा आ जाएगा, इसमें रेशनैलिटी कहां है? दिस इज अनइथिकल स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें रेशनैलिटी नहीं है। एक दिन मेरी बेटी ने बचपन में बोला, आज तो बिल्कुल नहीं पीऊंगी, झोली बाबा को बुला लो। मेरी बेटी ने एक दिन मुझसे कह दिया कि झोली बाबा आज तो बुला लो, आज नहीं पीऊंगी, क्योंकि मेरी बेटी पिछले एक साल से देख रही थी कि आता तो है ही नहीं, है कौन, आता तो है ही नहीं, तो उसने कहा आज बुला लो। नाउ रेशनैलिटी उड़ गई, क्योंकि रेशनैलिटी नहीं थी, इस स्टेटमेंट का इंपैक्ट खत्म हो गया। नाउ इस स्टेटमेंट का इंपैक्ट खत्म होते के साथ ही, अगर इसका इंपैक्ट खत्म हो गया तो ये स्टेटमेंट इथिकल कैसे था? ये स्टेटमेंट यूनिवर्सल है ही नहीं। मेरी बेटी झोली बाबा से पी रही है,
किसी और की बेटी किसी और बाबा की वजह से डर से पी लेगी, तो इसमें यूनिवर्सैलिटी कहाँ है? सो फॉर इथिक्स देयर मस्ट बी यूनिवर्सैलिटी, वो यूनिवर्सैलिटी होनी चाहिए, और यूनिवर्सैलिटी तब आती है जब रेशनैलिटी होती है, जब तार्किकता होती है, तब जो है यूनिवर्सैलिटी आती है। यस प्रीतम, द फॉल्स स्टेटमेंट्स आर अनइथिकल प्रीतम, वेदर दोज फॉल्स स्टेटमेंट्स आर गिविंग यू द पॉजिटिव रिजल्ट्स, वेदर दे आर इन योर इंटरेस्ट और वेदर द फॉल्स स्टेटमेंट्स आर इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, देन इवन देन द फॉल्स स्टेटमेंट्स आर अनइथिकल, इवन देन द फॉल्स स्टेटमेंट्स आर अनइथिकल। बस समझ आ रही है? चलो, सो इथिक्स रेफर्स टू वेल बेस्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग प्रिस्क्राइब्ड व्हाट ह्यूमंस ऑट टू डू। ठीक है, एक बार नोट्स को रिवाइज कर लोगे तो यहां से की लाइंस ले लेना, इन्हीं की लाइंस से क्वेश्चन भी बनेंगे। इथिक्स रेफर टू वेल बेस्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग प्रिस्क्राइब्ड व्हाट ह्यूमंस ऑट टू डू। सो फाउंडेशन ऑफ इथिक्स इज आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग एंड रेशनल थिंकिंग। If you are questioning your editors, if you are questioning your guardians, if you are questioning the act of your parents, nothing unethical in it. इसमें कुछ भी unethical नहीं है. In fact, इसे unethical मानना unethical है. बात ये है. Foundation of ethics is art of questioning and rational thinking. Point समझ में आ रहा है? Yes, Poonam. Yes, Poonam. But Poonam, your reason must be rational and universal. Fine. चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं. दसवंत, इस पर भी आगे बात करते हैं, इस पर आगे बात करते हैं, बात करते हैं इस पर. Therefore, field of ethics is based on rationality. An analysis of situation and things with an aim to decide right and wrong. Therefore, field of ethics is based on rationality and analysis of situation and things with an aim to decide right and wrong. सही और गलत को decide करने के लिए rationality और analysis के base पर जो action है वो एक्शन इथिकल एक्शन है। तो बच्चों एक और बात समझो, अक्सर हम क्या देखते हैं, अब अगले इशू पर आरंभ, अक्सर हम क्या देखते हैं, थैंक्स विनीत, अक्सर हम ये देखते हैं कि वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द सॉल्यूशंस, we are only concerned about the solving the problems, and if the certain act is solving the problem, we consider it the best act or we consider it the right act. But aisa hai nahi, ethics bhi problem solving hai, ethics bhi problem ko solve karta hai, lekin ethics ka motive keval problem solving nahi hai, ethics ka motive keval problem solving nahi hota. Ethical hone ka matlab hai problem solving with the rational action, solving the problem with the rational action, तार्किक तरीके से, सही तरीके से problem को solve करना। क्योंकि जब कभी हम जो है कुछ questions रखते हैं वहां पर आप शांत ना हो जाओ, आपके पास उसके answer अगर नहीं है तो फिर आप ethical नहीं हो, अगर उन बातों के answers आपके पास नहीं है तो आप इथिकल नहीं हो, क्योंकि आपने रेशनल होकर के वो फैसला नहीं किया है, रेशनल होकर के वो फैसला नहीं किया है। बात ये है, कैसे आगे बहुत सारे किस्से सामने आएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फिलोसॉफी ऑफ इथिक्स इट इज ऑल्सो सेड दैट इथिक्स इज नॉट ओनली अबाउट फाइंडिंग सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स एंड डिटरमाइनिंग राइट और रॉन्ग, बट ऑल्सो understanding solution on the basis of critical thinking and ensuring freedom for art of questioning. Therefore,
एथिक्स डील विद मल्टीपल एसेट्स ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर एंड कंडक्ट। इथिकल होने का मतलब है आपके पास जो सॉल्यूशन है आप उस पर क्रिटिकल थिंकिंग कर चुके होंगे, आपने उसको रेशनैलिटी पर परख लिया होगा और आपके पास उसका जस्टिफिकेशन होगा, रेशनल जस्टिफिकेशन होगा, तभी वो एक्ट इथिकल होगा, अदरवाइज नहीं। केवल कोई एक्ट आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट द सर्टेन एक्ट कैन नॉट बी डिसाइड इथिकल। बात यह है। आगे बढ़ते हैं। सो इथिकल स्टैंडर्ड्स मे और मे नॉट कंफर्म विद सोशल स्टैंडर्ड्स। हो सकता है कोई चीज पूरी सोसाइटी को ठीक लग रही हो, बच्चों मेरे सवाल सुनना, हो सकता है कोई चीज पूरी सोसाइटी को सही लग रही हो, तब भी जरूरी नहीं है कि वो चीज सही हो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। टिल 1928 जब तक राजा राम मोहन रॉय ने इसका विरोध नहीं किया था, पूरी सोसाइटी सती में इन्वॉल्व थी, सती प्रथा में पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व थी। इनफैक्ट कोई भी वुमेन जो सती होने से मना कर देती थी सोसाइटी उसको अनइथिकल मानती थी। तो जहां पर पूरी सोसाइटी सही अपने आप को सही मान रही थी, जो काम में पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व थी वो जरूरी नहीं था कि वो इथिकल था। क्योंकि आज अगर किसी लेडी को सती किया जाता है तो वो अनइथिकल माना जाता है। तो या तो आज हम गलत हैं या तब हम गलत थे, क्योंकि आज लगभग पूरी सोसाइटी सती को अनइथिकल मानती है और 1928 से पहले पूरी सोसाइटी सती को इथिकल मानती थी। तो इसलिए कई बार हम इथिकल होने को मानते कि यार मैं जो कह रहा हूं वो पूरी सोसाइटी कह रही है, तो जो चीज पूरी सोसाइटी कह रही है वही मैं कर रहा हूं, तो इसमें अनइथिकल क्या है? मैं सोसाइटी के हिसाब से चल रहा हूं, इसमें अनइथिकल क्या है? तो बेसिकली जो इथिकल होना है वो हमेशा सोशल स्टैंडर्ड को कंफर्म करना नहीं है। बिकॉज इन 1928 राजू यादव ये एथुनेशिया नहीं है। राजू यादव सती है कि कोई कोई महिला विडो हो जाती थी तो उसको उसके पति के साथ ही डेथ बेड पर जला दिया जाता था, उसके पति के साथ ही उसको जिंदा जला देते थे, वो सती थी। तो बेसिकली ये एक महिला जो कि जिंदा है उसको उसके पति के साथ ही जला देना, ये कहां से इथिकल था? पर पूरी सोसाइटी 1928 तक इन्वॉल्व थी, राजा राम मोहन रॉय अपोजिट। तो मुझे ये बताओ जब 1928 में राजा राम मोहन रॉय ने अपोज किया और पूरी सोसाइटी सती कर रही थी, इथिकल उस समय कौन था, राजा राम मोहन रॉय या सोसाइटी? तो अगर आप किसी चीज को सोसाइटी के साथ जो है चलते हैं तो सोसाइटी के साथ चलना हमेशा इथिकल होना नहीं है। प्लीज विनीत राणा को बता दो भाई कहां मिलेगी, विनीत को बता दो बच्चों, कुछ लोग चैट बॉक्स में। नाउ एनईपीआई वाले बच्चों बता दो। हाँ नाउ जो बात समझ में आई बच्चों, तो इथिकल स्टैंडर्ड मे और मे नॉट कंफर्म विद द सोशल स्टैंडर्ड्स बट दे आर कंसीडर्ड एज टू सम एक्सटेंट यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड कंडक्ट। क्योंकि दुनिया में हर जगह सती नहीं हो रहा था, सिर्फ इंडिया में चल रहा था उस समय, हर जगह जो है सती नहीं हो रहा था, क्योंकि सती का कंसेप्ट यूनिवर्सल हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो इथिकल था ही नहीं। सो इथिकल होने के लिए केवल सोशल स्टैंडर्ड होना काफी नहीं है, उसका यूनिवर्सल स्टैंडर्ड होना भी जरूरी है। केवल सोशल स्टैंडर्ड से कोई चीज इथिकल नहीं बनती, उसका यूनिवर्सल स्टैंडर्ड होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है विनीत, जो नोट्स हैं वो एमईपीआई चैनल के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे या क्रिएटिव चैनल के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम चैनल का लिंक ले सकते हैं। फाइन,
चलिए, यस चिराग, इस पर भी बात करेंगे, इस पर भी आगे बात करेंगे चिराग, यही तो सारे क्वेश्चंस हैं। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ूं? चलो, तो इन जनरल फॉलोइंग कैन बी यूनिवर्सल एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ इथिक्स। तो पहले मैंने कहा कि इथिक्स के लिए बहुत जरूरी है कि स्टैंडर्ड्स यूनिवर्सल हो, इथिक्स के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे स्टैंडर्ड्स यूनिवर्सल हो। केवल व्हाट व्हाट आई एम लाइकिंग और व्हाट माय सोसाइटी इज लाइकिंग नॉट इथिकल। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप दुनिया में कहीं चले जाएंगे वहां पर वो एक्सेप्टेबल होंगी, वहां पर वो इथिकल होंगी। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट, ह्यूमन की डिग्निटी का ख्याल रखना, ह्यूमन की रेस्पेक्ट का ख्याल रखना, दुनिया में कहीं चले जाओ। अब ये मैं आपको वो चीजें दे रहा हूं बच्चों, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इन फैक्टर्स का ख्याल रखेंगे, जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इन फैक्टर्स पर टेस्ट करेंगे। यस अभिषेक, ट्रूली एग्री विद यू अभिषेक। नाउ आई एम ऑल्सो अभिषेक। ह्यूमन डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट, पहला अगर हम देखें तो ये पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ, दिस इज अ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड एंड दिस इज इथिकल। सेकेंड वन इज कंपैशन, प्रेम, प्यार, लगाव, कंपैशन। थर्ड वन इज फ्रीडम, स्वतंत्रता। फोर्थ वन इज जस्टिस, न्याय। फिफ्थ वन इज इक्वालिटी, यानी कि समता, सभी को बराबरी से देखना। फ्रेटर्निटी, भाईचारा। ड्यूटी, यानी कि अपनी अपनी ड्यूटी को समझना, अपने कर्तव्य को समझना। सेल्फलेसनेस, सेल्फलेसनेस यानी कि बहुत ग्रीडी ना होना। ऑनेस्टी, ईमानदारी। इंटीग्रिटी, यानी कि कोई आपको तोड़ ना सके, आपको कोई आपके रास्ते से हिला ना सके। विजडम, आप अपने इंटेलिजेंस का यूज कर सके, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सके, इंटेलिजेंस का यूज कर सके। तो ये सब बच्चों वो स्टैंडर्ड्स हैं जो दुनिया में कहीं चले जाइए, ये वेल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स हैं। और अगर इन स्टैंडर्ड्स पर कोई एक्शन किया जा रहा है तो बहुत चांसेस है कि वो एक्शन एक इथिकल एक्शन होगा। तो जब कभी हम इथिकल एक्शन को एनालाइज कर रहे हो या डिसाइड करने जा रहे हो वेदर द सर्टेन एक्ट इज इथिकल और नॉट, हमें इन कुछ स्टैंडर्ड्स को भी कंसीडर करना चाहिए उन एक्शंस के अंदर। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, नाउ डिफरेंस बिटवीन इथिक्स एंड मॉरालिटी। इस पर बच्चों आने से पहले, अब जरा पहले सिलेबस पर चलता हूं आज, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इथिक्स एंड मॉरालिटी पर आऊंगा, पर पहले उससे पहले सिलेबस पर चलता हूं, जरा सिलेबस की बात कर लें, ठीक है, क्योंकि मेरा जो टाइम है वो ओवर हो रहा है। तो पहले सिलेबस की बात करते हैं, अगले टॉपिक को फिर छेड़ूंगा। चलो, ना हमें पढ़ना क्या क्या, वैसे तो कोई सिलेबस ऐसा प्रिस्क्राइब तो नहीं रहता इतना डिटेल में, लेकिन क्वेश्चंस को देख करके जो अंदाजा लग रहा है आप लोगों के लिए, जरा उसकी बात कर लेते हैं बच्चों। तो अगर हम देखें तो हम किन किन एरियाज को मेजरली डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो अभी तो मैं डिस्कस कर रहा हूं, पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ इथिक्स, व्हाट इज इथिक्स एंड व्हाई इंजीनियर्स नीड इथिक्स। इस पर आगे आएंगे, नेक्स्ट क्लास में इस पर बात करेंगे। मीनिंग ऑफ इथिक्स में हम बात कर रहे हैं इस समय व्हाट इज इथिक्स की, अभी तो हम इथिक्स की बात कर रहे हैं। इथिक्स, व्हाट इज इथिक्स के बाद आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे व्हाई इंजीनियर्स नीड इथिक्स। भाई, इंजीनियरिंग सर्विस में जाने के लिए इथिक्स का टेस्ट क्यों ले रहे हो, इथिक्स क्यों पढ़ा रहे हो, आईएएस बनने से पहले इथिक्स का पेपर क्यों है, इथिक्स का टेस्ट क्यों हो रहा है, क्या जरूरत है एक इंजीनियर को इथिक्स की, बीइंग इथिकल क्या जरूरत है। भाई, उसे नहीं है तो और किसको होगी, डॉक्टर और इंजीनियर को तो सबसे ज्यादा है, तो उनके हाथ में लोगों की लाइफ रहती है। तो व्हाई इंजीनियर्स नीड इथिक्स, इस पर बात करेंगे। नाउ इसके बाद हमारे सिलेबस में हम पढ़ेंगे इथिकल थ्योरीज। इसमें तीन थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे यूटिलिटेरियनिज्म, एक पढ़ेंगे ड्यूटी इथिक्स एंड राइट इथिक्स, और वर्चू इथिक्स। आप लोगों के सामने सिलेबस ला रहा हूं जिससे कि इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। आप लोग मुझसे पूछते हो क्या क्या पढ़ना है, क्या करना है, तो वो भी सामने रख रहा हूं बच्चों, फर्स्ट क्लास में। यूटिलिटेरियनिज्म, ड्यूटी इथिक्स एंड राइट इथिक्स पढ़ेंगे, वर्चू इथिक्स की बात करेंगे, यानी कि इथिकल थ्योरीज की बात करेंगे। इन थ्योरीज में क्या डिफरेंस है ये समझेंगे, इनके फर्क क्या क्या है। सो डिस्टिंक्शन बिटवीन द थ्री इथिकल थ्योरीज, ये जो तीनों इथिकल थ्योरीज हैं
इनके डिफरेंसेस को समझेंगे, क्योंकि इनके डिफरेंसेस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। इथिकल प्रिंसिपल्स दैट गाइड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस, इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस को कौन कौन से इथिकल प्रिंसिपल्स गाइड करते हैं उस पर बात करेंगे। बच्चों हर प्रोफेशन के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। मैं आपको एक एक, एक और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, क्यों हम अलग से कह रहे हैं इंजीनियरिंग, द प्रिंसिपल दैट गाइड इंजीनियरिंग। यस बच्चों मैं आपके आगे एक कंडीशन रखता हूं। बच्चों सपोज एक वकील है, बच्चों एक एडवोकेट है, एक एडवोकेट जो है वो अपने क्लाइंट को बचा रहा है। उस क्लाइंट को एडवोकेट ने पूरी कोशिश करके बचाया, जबकि वो जानता था कि उसके एक वो जानता था कि उसका क्लाइंट जो है मर्डरर है। वकील जानता था कि उसका क्लाइंट मर्डरर है, लेकिन फिर भी वकील ने अपने क्लाइंट को बचा लिया। एक तो ये वकील है, क्या ये वकील अनइथिकल होगा या गलत होगा? ना, एक वकील ये है बच्चों, उस वकील ने एक क्लाइंट का केस लिया, क्लाइंट ने वकील को बताया कि मैंने ही मर्डर किया है, क्लाइंट ने वकील को बताया मैंने ही मर्डर किया है, आप मुझे बचाओगे। वकील ने दिमाग में सोचा कि यार एक मर्डरर को जेल पहुंचाने का बहुत अच्छा मौका है। वकील ने, उस एडवोकेट ने उस क्लाइंट का केस ले लिया, वो वकील कोर्ट गया और उसने कहा कि मैं एक देशभक्त आदमी हूं, मैं अपने देश में एक भी गलत आदमी को आजाद नहीं रहने दूंगा। वो कोर्ट में इस व्यक्ति का केस लेकर के गया और कोर्ट के आगे उसने कहा कि मर्डर इसी ने किया है, जज साहब मैं इसका वकील हूं, मैं जानता हूं मर्डर इसी ने किया है। क्या वो वकील, वो एडवोकेट इथिकल है? क्या वो एडवोकेट इथिकल है बच्चों, जिसने अपने क्लाइंट को खुलकर के जो है जेल पहुंचा दिया? यस, तो इसलिए आंसर आपको समझ में आ रहा है। तो इसीलिए अलग अलग प्रोफेशंस के अपने अलग अलग इथिक्स होते हैं। हम लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे इथिकल प्रिंसिपल्स दैट गाइड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस, इथिकल प्रिंसिपल्स दैट गाइड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। क्लियर? चलिए, इसके अलावा हमें पढ़ना है इथिकल स्टैंडर्ड्स, हमें पढ़ना है वर्चू फॉर इथिकली रेस्पॉन्सिबल इंजीनियर्स। वर्चू, एक इथिकली रेस्पॉन्सिबल इंजीनियर में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं? एक इथिकली रेस्पॉन्सिबल इंजीनियर में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं वो समझेंगे। नाउ वैल्यूज समझेंगे और उसमें ह्यूमन वैल्यूज समझेंगे। मेरी अगली क्लास वैल्यूज पर ही है, वैल्यूज पहले प्रिंसिपल्स पर है फिर वैल्यूज पर आ गया ये क्लास, तो ह्यूमन वैल्यूज समझेंगे, इंपॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यूज समझेंगे। इसके अलावा वैल्यूज इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन समझेंगे, इंजीनियरिंग प्रोफेशन में किन किन वैल्यूज को ख्याल रखना है। देखो मेडिकल प्रैक्टिशनर की अलग वैल्यूज है, अभी मैंने आपको बताया एडवोकेट की अलग वैल्यूज है और टीचिंग की अलग वैल्यूज है और इंजीनियरिंग प्रोफेशन की अलग वैल्यूज है, ठीक है। अननोन हैकर क्या नाम लिया यार तुमने? तो ये जो है, अच्छा, अननोन हैकर, वेदर द हैकिंग इज अ इथिकल और अनइथिकल एक्ट, वेदर हैकिंग इज इथिकल और अनइथिकल एक्ट, इस पर भी बात करेंगे, इस पर बात करेंगे। चलो, नाउ सेफ्टी रिस्क एंड एक्सीडेंट्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, इन सब पर बात करेंगे। ये सब हमें पढ़ना है इसमें बच्चों। इथिकल इश्यूज, डिलेमास, वैल्यू कंफ्लिक्ट एंड अनइथिकल बिहेवियर इन इंजीनियरिंग, अनइथिकल बिहेवियर, अनइथिकल कंडक्ट क्या होता है ये समझेंगे, अनइथिकल डिलेमास क्या क्या होते हैं इथिकल इश्यूज में वो समझेंगे, वैल्यू कंफ्लिक्ट्स क्या होते हैं वो समझेंगे, एक इंजीनियर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो समझेंगे। रेस्पॉन्सिबिलिटी, देखो अननोन हैकर अगर डिपेंस लगा करके कोई चीज लिखनी पड़े ना, तो उसकी इथिकल होने पर पहले ही सवाल खड़ा कर रहे हो तुम। डिपेंस लगा करके अगर बात करोगे तो वैसे ही सवाल खड़ा हो जाएगा। अभी मैंने कहा था कि द थिंग मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। चलो बात करेंगे आगे। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोफेशनल स्किल्स, बिहेवियरल कॉम्पिटेंस, ये सब पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल इथिक्स,
रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंजीनियर्स टूवर्ड्स एनवायरमेंट। आजकल इंजीनियरिंग और एनवायरमेंट को लेकर के रिलेशन बड़ा ही खतरनाक होता जा रहा है। इंजीनियरिंग प्रोफेशन का और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का रिलेशन बड़ा खतरनाक है। तो इथिकल उसको भी देखेंगे, एनवायरमेंटल इथिक्स पर बात करेंगे कि एक इंजीनियर की टुवर्ड्स द एनवायरमेंट क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वो अपनी अगर उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं समझ रहा है तो क्या वो इथिकल है, इस पर भी बात करेंगे। तो वैल्यूज एंड द एनवायरमेंट, द एंथ्रोस्फियर। एंथ्रोस्फियर क्या है बच्चों? एनवायरमेंट में ह्यूमन के द्वारा चेंजेस लाना, एनवायरमेंट में ह्यूमन के द्वारा चेंजेस लाना। थ्री डायमेंशंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी, वैल्यूज एंड सस्टेनेबिलिटी, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स को हम करेंगे। हैकिंग इज इथिकल, पूनम कुमारी भी कह रही है। पूनम आगे बात करेंगे, आई होप आप उस दिन क्लास में होंगे जिस दिन इस पर हम डिस्कशन करेंगे। नाउ कोड्स ऑफ कंडक्ट, कोड्स ऑफ कंडक्ट ये लास्ट टॉपिक है इसमें। प्रोफेशनल कोड्स, मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल, प्रोफेशनल कोड्स क्या होते हैं, मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ कोड्स कहां से हुआ, और वैल्यूज इन कोड्स, ये सब वो टॉपिक्स हैं जिन। अच्छा एक और अभी सेगमेंट रही है, अच्छा जस्ट अ मिनट, ये लास्ट पेज है। तो एक ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स पर हमारी पूरी इंजीनियरिंग इथिक्स का सिलेबस घूमेगा और हमारे क्वेश्चंस इन एरियाज से आएंगे बच्चों। टॉपिक और रही है पॉसिबिलिटीज एंड लिमिटेशंस ऑफ कोड्स ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट तय कर देना क्या सफिशियंट होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोड ऑफ कंडक्ट तय करना सफिशियंट है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट 100% इथिकल इथिक्स को इंश्योर कर भी पाते हैं। इसके अलावा एनएसपी कोड ऑफ इथिक्स क्या होते हैं, इस पर बात करेंगे, यहां से क्वेश्चन के चांसेस बहुत हैं। फियानी पोजीशन पेपर क्या है, इस पर बात करेंगे, यहां से भी क्वेश्चन के चांसेस बहुत हैं। तो फियानी पोजीशन पेपर ऑन कोड ऑफ कंडक्ट, इथिक्स एंड कंडक्ट ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियर्स, ये सारे बच्चों वो टॉपिक्स हैं आपके जो आपके इंजीनियरिंग इथिक्स से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं। लेकिन बच्चों इंजीनियरिंग इथिक्स को भी आप तब तक नहीं समझोगे जब तक आप इन जनरल इथिक्स को नहीं समझोगे, इंजीनियरिंग वैल्यूज को तब तक नहीं समझोगे जब तक कि इन जनरल ह्यूमन वैल्यूज को नहीं समझोगे, बिकॉज अल्टीमेटली इंजीनियर इज ऑल्सो द ह्यूमन बींग, और अगर वो कहीं अनइथिकल होता है तो उसमें उसका ह्यूमन बींग होने का भी एक बड़ा फैक्टर है। तो बेसिकली ह्यूमन वैल्यूज को भी समझना जरूरी है। सिलेबस देखना कि केवल इंजीनियरिंग वैल्यूज लिखा है सर, आप ह्यूमन वैल्यूज क्यों पढ़ा रहे हो, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जब तक ह्यूमन वैल्यूज नहीं समझोगे इंजीनियरिंग वैल्यूज नहीं समझ पाओगे, उनमें रिलेशनशिप है। तो इन सब दायरे में ये क्लास हमारी चलेगी बच्चों, इन सारे दायरे में हमारी क्लास चलेगी। बात समझ में आई? चलिए अब एक टॉपिक पढ़ा देता हूं, एक टॉपिक पढ़ा देता हूं, और मैं पढ़ाने जा रहा हूं इथिक्स वर्सेस मॉरालिटी बच्चों। एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं छोटा सा, इथिक्स वर्सेस मॉरालिटी बच्चों। चलिए, मैंने एक सवाल उठाया था कि कुछ बच्चे, कुछ लोग वेजिटेरियन हैं और कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो नॉन वेजिटेरियन को कई बार अनइथिकल मान लेते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोग ये डिबेट करते हैं, वो उन्हें अनइथिकल मान लेते हैं। मेरी फैमिली में भी बहुत ऐसे लोग, मेरे पेरेंट्स में भी ऐसे लोग हैं, हालांकि मैं भी वेजिटेरियन हूं लेकिन मैं इस डिबेट को सही नहीं मानता। नाउ अगर हम बात करें तो लोग ये डिबेट तो करते हैं, वो एक्चुअली इथिकल मानते हैं या वो मॉरल मानते हैं, बस हमें इसी को समझना है कि वो इसको मॉरल मानते हैं या वो इसको इथिकल मानते हैं, उन्हें इथिकल मानना चाहिए या मॉरल मानना चाहिए। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इथिक्स एंड मॉरालिटी बच्चों। मॉरालिटी में और इथिक्स में फर्क है बच्चों, इन दो टर्म में फर्क है, उस फर्क को समझते हैं बच्चों। अब वो है क्या, देखो मॉरालिटी भी राइट और रॉन्ग को चेक करती है और इथिक्स भी राइट और रॉन्ग कंडक्ट को चेक करता है। मॉरालिटी भी राइट और रॉन्ग कंडक्ट को चेक करती है और इथिक्स भी राइट और रॉन्ग कंडक्ट को चेक करता है बच्चों। अब यहां पर समझना बच्चों, मैंने क्या कहा कि किसी केस में हो सकता है कि चार जजेस शामिल हो जाएं, ये जज शामिल हुआ, इसका ट्रांसफर हो गया, ये केस इस जज को मिल गया, इस जज ने कुछ दिन इस केस पर हियरिंग की, कुछ अपना फैसला दिया, ये जज रिटायर हो गया, तीसरे जज को मिल गया, फिर चौथे जज को मिल गया। इन चारों जज के इथिकल ग्राउंड पर डिसीजन एक से होंगे, चारों जज के इथिकल ग्राउंड पर डिसीजन एक से होंगे,
हो सकता है मॉरल ग्राउंड पर चारों के डिसीजन अलग अलग हो जाएं, हो सकता है मॉरल ग्राउंड पर चारों के डिसीजन अलग अलग हो जाएं। तो डिफरेंस क्या है मॉरेलिटी में और इथिकल होने में? मॉरेलिटी भी राइट और रॉन्ग को टेस्ट करती है और इथिक्स भी राइट और रॉन्ग को टेस्ट करते हैं, लेकिन मॉरेलिटी इंडिविजुअल वैल्यूज पर राइट रॉन्ग टेस्ट करती है और इथिक्स यूनिवर्सल वैल्यूज पर राइट रॉन्ग टेस्ट करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस, बात समझ में आ रही है? मॉरेलिटी, इसीलिए मॉरेलिटी रिलेटिव है, अलग अलग लोगों की मॉरेलिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन इथिक्स सबके लगभग एक से होंगे। तो इथिकल ग्राउंड में हम यूनिवर्सल ग्राउंड्स पर राइट और रॉन्ग चेक करते हैं, मॉरेलिटी में हम अपने इंडिविजुअल ग्राउंड्स पर राइट और रॉन्ग चेक करते हैं। तो क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूं इसलिए मुझे नॉन वेजिटेरियन को अनइथिकल मान लेना चाहिए, ये केवल मेरी मॉरेलिटी है, दिस इज नॉट इथिक्स। नीतीश अभी तो बेटा बस फ्लो मत छोड़ो यार, ऐसी ऐसी इंस्ट्रक्शंस आती हैं आप लोगों की, क्या बताऊं। चलो कोई बात नहीं, इसे तो पढ़ लो बेटा। बोथ आर रिलेटेड विद राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट, हाउएवर इथिक्स रेफर्स टू द सीरीज ऑफ रूल्स प्रोवाइडेड टू एन इंडिविजुअल बाय एन एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, बोथ आर रिलेटेड विद राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट, हाउएवर इथिक्स रेफर्स टू द सीरीज ऑफ रूल्स प्रोवाइडेड टू एन इंडिविजुअल बाय एन एक्सटर्नल सोर्स, फॉर एग्जाम्पल देयर प्रोफेशन। मैंने अभी आपको बताया, अब एक और एग्जाम्पल से समझो बच्चों। जो एडवोकेट था जिसने एक मर्डरर को जेल भिजवाया, चाहे वो मर्डरर उसका क्लाइंट ही क्यों ना हो, वो एडवोकेट मॉरली हो सकता है करेक्ट था, वो मॉरली करेक्ट था, उसका ये मॉरल था, उसका इंडिविजुअल प्रिंसिपल था कि मैं किसी भी मर्डरर को जेल से बाहर नहीं रहने दूंगा, तो मॉरली ठीक था, बट वो इथिकली गलत था, बिकॉज जिस प्रोफेशन में वो था और जिस प्रोफेशन की बेसिस पर वो उसका क्लाइंट बना, उस प्रोफेशन के जो रूल्स थे उसने उसको फॉलो नहीं किया। तो जो एक्सटर्नल सोर्स है वो है प्रोफेशन, मॉरेलिटी विद इन है, मॉरेलिटी मेरे अंदर से आ रही है और इथिक्स मुझे बाहर से मिल रहे हैं। मॉरेलिटी मेरे अंदर से आ रही है, इथिक्स मुझे मेरे प्रोफेशन से मिल रहे हैं, मेरी सराउंडिंग से मिल रहे हैं, मेरे एनवायरमेंट से मिल रहे हैं, मेरी कस्टम से मिल रहे हैं। पॉइंट समझ में आया? ऑन द अदर हैंड मॉरल रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स ओन प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग राइट एंड रॉन्ग, इथिक्स आर मोर वेल डिफाइंड सेट ऑफ आइडियाज, मॉरल आर द जनरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मॉरेलिटी में जनरल राइट और रॉन्ग, हम इन जनरली राइट और रॉन्ग होते हैं, बट इथिक्स आर मोर डिफाइंड सेट ऑफ आइडियाज, इथिक्स वेल डिफाइंड होते हैं, सिस्टमैटिक रूल्स होते हैं, वेल एक्सेप्टेड रूल्स होते हैं और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल्स होते हैं, जबकि मॉरेलिटी में हम कोई चीज जनरली राइट और रॉन्ग कह देते हैं। कोई चीज किसी एक के लिए सही है, किसी दूसरे के लिए गलत हो जाती है। कोई चीज हम किसी कंडीशन में सही कह देते हैं और किसी दूसरी कंडीशन में गलत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, नीतीश ओझा कह रहे हैं कि एनिमल हैज नॉट रेस्पेक्ट और डिग्निटी। यस नीतीश ओझा, द एनिमल्स मस्ट हैव द रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। सो नीतीश ओझा, Have you accepted the Jainism? Have you accepted the Jainism? Now, what my question is, do microorganisms have respect or not? आप जिन ऑर्गेनिजम्स को देख नहीं सकते, क्या उनके लिए रेस्पेक्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?
अब सवाल काउंटर आ गया, अब थोड़ा मुश्किल होगा, अब थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैंने कहा ना, दिस इज कॉल्ड मॉरेलिटी। आपका स्टेटमेंट एनिमल हैज नॉट रेस्पेक्ट और डिग्निटी, दिस इज अ मॉरल स्टेटमेंट, बट ऑन द ग्राउंड ऑफ एथिक्स देयर कैन बी इशू। ऑन द ग्राउंड ऑफ एथिक्स देयर कैन बी इशू, बिकॉज इट योर स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। आप यूनिवर्सली उसको एक्सेप्टेबल नहीं कर सकते। तो मैं वही कह रहा हूं ना, आप यही बात, बस नीतीश यही तो समझा रहा हूं। कॉन्शियसनेस लेवल पर है नीतीश, कॉन्शियसनेस लेवल पर है, वो मॉरालिटी है। आपकी कॉन्शियसनेस लेवल किसी लेवल तक उसे सही कहती है, किसी लेवल तक गलत कहती है, दूसरे की किसी लेवल तक सही कहती है, दूसरे लेवल तक गलत कहती है, ये मॉरालिटी है, ये रिलेटिव है। लेकिन इथिक्स जो है वो वेल एक्सेप्टेड है, इथिक्स वेल एक्सेप्टेड है, यही बात है बस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बात ये है। आगे बढ़ते हैं, तो एक कंपैरिजन अगर देखें बस मॉरालिटी और इथिक्स का, बच्चों एक कंपैरिजन देखें बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स। बच्चों जब तक आप मॉरालिटी और इथिक्स का डिफरेंस नहीं समझोगे, एक बच्चे ने अभी मुझसे कहा था कि सर एनकाउंटर समझाइएगा, आप एनकाउंटर को इथिकल अनइथिकल डिबेट एनकाउंटर पर समझ ही नहीं पाओगे अगर मॉरालिटी और इथिक्स के डिफरेंस को नहीं समझे तो। आई होप नीतीश समझ में आई होगी ना बात। तो बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट विच मे और मे नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। मॉरालिटी क्या है? बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट विच मे और मे नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। वो किसी के लिए हो सकता है एस्टैब्लिश, किसी के लिए नहीं हो सकता एस्टैब्लिश। थैंक यू नैन्सी फ्रॉम माई साइड ऑल्सो फॉर अटेंडिंग द क्लास एंड झेलिंग मी। बेस्ड ऑन एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स, इथिक्स एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड है, मॉरेलिटी एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। दूसरी बात मॉरेलिटी की, लार्जली बेस्ड ऑन इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स, लार्जली बेस्ड ऑन इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स, वेयर इथिक्स इट इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स, दैट इज ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स। मॉरेलिटी की बात करें, सो मॉरेलिटी डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स लाइकिंग डिसलाइकिंग एंड प्रेफरेंसेस। इथिक्स की बात करें, लेस टू डू विद व्हाट अ पर्सन थिंक्स। मैंने क्या कहा, जज को पसंद है या नहीं इससे मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इथिक्स में पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं आती है, मॉरालिटी में पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग आ जाती है। बच्चों क्लियर बात? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉरालिटी एंड इथिक्स, अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन मॉरालिटी एंड एथिक्स। बच्चों ठीक है, नोट्स क्रिएट्रिक्स के टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे, कल मिलेंगे, आज तो मेरे पास टाइम ही नहीं। अभी तो अभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरा जीके की क्विज भी है बच्चों, वो भी होगी लर्निंग ऐप पर, और फिर रात को हमारी आज मीटिंग भी आपकी क्लासेस जो एग्जाम्स वगैरह आ रहे हैं उसको लेकर के। हु विल डिसाइड दिस इज इथिकली करेक्ट? Those principles that are well accepted will decide. The principles that are well accepted will decide. Now ethics भी हम कई एंगल से देखते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे आपको आपके क्वेश्चन का आंसर बच्चों तुरंत मिल जाएगा। युग हाय, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, सेशन आपने एंजॉय किया होगा। कोई बच्चा अगर भूल गया है, सेशन को लाइक और शेयर करना, और उसको वाकई में जेन्युइनली सेशन पसंद आया है तो लाइक कर दे, नहीं आया तो डिसलाइक कर दे, कोई ऐसी बात नहीं है। अपना रिस्पांस जरूर दे, फर्स्ट लेक्चर है तो उस पर रिस्पांस जरूर दीजिए, शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि पूरी सोसाइटी को समझना चाहिए ये चीजें तो शेयर करिए। मैं फिर कह रहा हूं, इस क्लास में आइए रेगुलर, यू विल फाइंड द चेंज वर्ल्ड। एक बदली हुई दुनिया देखेंगे, दुनिया को देखने का नजरिया बदला हुआ मिलेगा, ज्यादा रेशनल और लॉजिकल हो जाएगा। बात यह है प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी थोड़ी सी, क्योंकि जब हम लॉजिकल रेशनल हो जाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स कम होने लगती हैं। बात यह है, ठीक है।
चलिए बच्चों, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। वैसे ही बहुत सारे बच्चों का सजेशन है कि 9:15 से ज्यादा मत बढ़िए। नहीं बढ़ूंगा यार, मेरा तो खुद गला कहता है कि ना बढ़ू उससे ज्यादा। सुबह से शाम तक मेरे इतने लेक्चर्स चल रहे हैं ना, क्या बताऊं। मेरे अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी लेक्चर्स हैं, यहाँ पर भी मेरे 4 लेक्चर्स चल रहे हैं डेली, तो बहुत सारे लेक्चर्स हो जाते हैं। नहीं कमलेश, कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। कमलेश, कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ बेटा, इतना डिस्टरबेंस तो चलता है। जब थोड़ी देर तक बच्चे चैट बॉक्स में शांत रहते ना, तो भी प्रॉब्लम होने लगती है। क्या हो गया, सो गए क्या, सुन नहीं रहे क्या? तो मैं कभी कभी, तो हम भी चाहते हैं कि चैट बॉक्स में तुम कुछ लिखो। कभी कभी तो हम यही पूछ लेते हैं झूठ मूठ में कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, जिससे ये पता चल जाए कि जगे हुए हैं बच्चे। चलिए तो कल मिलते हैं। यू आई एम द ओनर ऑफ वन इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, तो मैं उसके लिए भी पढ़ाता हूँ ना, ठीक है? चलिए तो बच्चों लाइक कर दीजिए। कोई बच्चा अगर क्विज में आना चाहे तो 10 PM पर, 10:10 पर आए होगी आज, 10:10 पर एक छोटी सी क्विज है आज, क्योंकि हमारी रात को मीटिंग भी है, तो एक छोटी सी क्विज है। अनअकैडमी की हमारी मीटिंग भी है, तो एक छोटी सी क्विज होगी, करंट अफेयर और जीके की क्विज है। आना चाहे तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आइए, मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लीजिए प्रोफाइल का, उसको बच्चों प्रोफाइल को फॉलो करिए, अभिषेक शर्मा को फॉलो करिए और स्पेशल क्लासेस के बारे में जानिए, ठीक है? तो मिलते हैं बच्चों, ठीक है? चलिए फिर कल मुलाकात होगी, कल सेम टाइम 8 बजे मुलाकात होगी। सुबह करंट अफेयर्स शो में मुलाकात होगी, फिर जीके की क्लास में मुलाकात होगी, रात को 8 बजे फिर हम इथिक्स की क्लास में मिलेंगे, और रात को 10 बजे अभी हम मिल ही रहे हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जीके की क्विज में। चलिए गुड नाइट।